हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो यहाँ पे मैं सबसे मॉर्निंग में उठी थी जब, और मैं आपको बाहर दिखा भी चुकी हूँ कि कितना ज़्यादा अंधेरा था। तो मैं इसी अंधेरे में उठ जाती हूँ इतने ही टाइम। आज 5 बजे उठ गई थी, कभी 5:15। इसके जो है बात बहुत कम ऐसा होता है, रेयर होता है जब मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, जैसे छुट्टी हुई या कभी मन हो गया तो थोड़ा सा लेट से उठ जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं इतना ही टाइम उठती हूँ। इनफैक्ट अब तो सर्दियाँ होने लगी हैं तो थोड़ा सा और जल्दी उठना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि बच्चों की ऑटो बहुत जल्दी आ जाती है। भाई बेटी का तो वैसे थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है, और भैया का भी टाइम चेंज नहीं हुआ है, और हो भी जाएगा टाइम चेंज तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे तो उसी टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है कि मुझे सबसे पहले उठना है, झाड़ू पोछा करना है, चाय वगैरह नाश्ता सारा कुछ करना है। तो फिर थोड़ा सा नहा के करने लग जाती हूँ, बस इतना हो जाता है कि जैसे टाइम चेंज हो जाएगा तो मैं नहा लूँगी और वहीं पर खाना बनाते जाऊँगी साथ के साथ में, एक साइड में, और एक साइड में बच्चों के लिए नाश्ता बनाते जाऊँगी। तो डबल काम हो जाते हैं फिर, मेरा जो डबल काम नहीं होता है। इतने में पतिदेव बाहर पिल्लू लेके आ गए थे, उन्होंने बाहर रख दिए, क्योंकि हम लोग पिल्लू बाहर रखते हैं, बैठ रहता है, तो कभी किसी को जैसे लेटना हुआ, मुझे ही लेटना हुआ तो मैं भी लेट जाती हूँ। तो इसी तरीके से चाहे मैं जल्दी उठूँ या फिर लेट से उठूँ, तो मुझे यही काम होता है कि मुझे चाहे छुट्टी हो या फिर चाहे फिर टाइम टेबल लेट हो जाए, मुझे इसी टाइम में उठना होता है, 5:15। इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। कभी होता है जैसे थोड़ी सी गर्मी होती है तो उतना बड़ा दिन होता है तो 6 बजे उठ जाती हूँ, है ना। लेकिन 5 से 6 के आसपास मुझे उठ ही जाना होता है, सर्दियों में 5 बजे और गर्मियों में 6 बजे। तो होता है क्या कि सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, अगर सुबह भी उठ जाते हैं 5 बजे उठ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। बट जैसे गर्मियों में 6 बजे उठते हैं तो कुछ नहीं होता है, चाहे उल्टा होता है मेरे साथ में हमेशा कि गर्मियों में मुझे 5 बजे उठना चाहिए और सर्दियों में 6 बजे। तो ऐसा नहीं होता, मुझे गर्मियों में 6 बजे उठती हूँ मैं और सर्दियों में 5 बजे उठती हूँ, तो बस हो गया उठने का, जब उठना हो तब उठ जाएंगे, ना। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है और दूसरे काम कुछ लेने चली गई थी मैं। आलू मेरे बॉयल हो चुके थे, इसके बाद मैं पराठा बनाऊंगी। सामने से मेरा ना आज पता नहीं क्यों गला ख़राब हो रखा है, और थोड़ी सी बैकग्राउंड से आवाज़ आएगी तो उसको ना फुल इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि बैकग्राउंड से आवाज़ आती रहती है। और ये देखो मैं पता नहीं कहाँ गायब हो गई हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ लेने चली गई थी, हाँ मैं मैगी मसाला ढूंढने गई थी, लेकिन उसमें मैगी मसाला ख़त्म हो गया था, क्योंकि मेरा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर दोनों ही चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं। तो उसको मैं पीसूंगी किसी दिन, देखते हैं किस दिन पीसूंगी। इतने बीच मैंने कैमरा बंद कर दिया था, फिर इसके बाद दोबारा से चालू किया, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सामान लेने जाना था। तो मैंने कहा फिर इतनी देर फालतू नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में फ़ोन चार्ज नहीं रहता है। वैसे मेरा फ़ोन 20 मिनट में ही चार्ज होता है, लेकिन मैं जब तक पूरा डिस्चार्ज नहीं हो जाता तब तक मैं चार्ज पे नहीं लगाती हूँ, इसीलिए मैं मॉर्निंग में पहले वीडियो शूट कर लेती हूँ, इसके बाद जैसे डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर चार्ज में लगा देती हूँ, है ना। तो ऐसे ही होता है। और यहाँ पे बेटी आ गई थी, और इसके बाद मैंने जीरा और हरी मिर्ची जो है इसमें तड़के के लिए डाल दी है, देन आलू डाल दूंगी और हल्दी थोड़ी सी। मिर्ची तो यही हो जाएगी तीखी, इसलिए मैं कुछ और नहीं डालूंगी। मैगी मसाला जितना है उसमें वो ऐड कर दूंगी, नमक और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। तो इतने में बेटी के लिए और भैया के लिए दोनों के लिए सब्ज़ी हो जाएगी, और इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अदरवाइज बिना मसाले की सब्ज़ी बनती नहीं है, बट सूखी थी तो फिर भी ठीक रहती है। मैगी मसाला डाल देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ थोड़े से आलू, मुझे लग रहे थे कि बहुत अच्छे से नहीं पके हैं, तो इनको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दूँगी, तो भाप में बहुत अच्छे से पक जाएंगे। और मेरा लोहे का फ्राई पैन है तो इसमें बहुत अच्छे से पक जाते हैं, और बच्चों के लिए ठीक भी रहता है, क्योंकि आयरन वगैरह सारा कुछ मिल जाता है। जैसे कि हम करते हैं ना कि लोहे के बर्तन में पहले के ज़माने में होता था कि खाना ज़रूर बनाते थे। और यहाँ पे मैं आ गई थी बच्चों की ड्रेस वगैरह निकालने के लिए, तो मोजे में देख रही थी और सामने से पॉलीथिन टंगी दिख रही होगी आप लोगों को। तो पतिदेव रात में गुजिया लाए थे रस वाली, तो मैंने यहाँ पे टांग दी थी, क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा हैं और फ्रिज में रख देती तो फिर वो खाने के काम की नहीं रहती, बच्चे ठंडा नहीं खाते हैं अभी सर्दी का टाइम है। तो बीच में भैया आ गया था नहा के, तो बस वो रेडी हो जाएगा जब तक मैं ड्रेस वगैरह सारा कुछ कर दूंगी, यानी कि जितने मेरे जो है ड्रेस निकालनी है, ब्लेजर निकालना है, बेटी का स्वेटर निकालना है, सारा कुछ, क्योंकि सर्दी अब होने लगी है। अभी तक बच्चे नहीं पहन के जाते थे, बट गुरुवार के दिन से काफ़ी तेज़ सर्दी होने लगी है, तो उसी दिन से बच्चे पहन के जाने लगे हैं। सो अभी बेटी उठी नहीं है क्योंकि उसका स्कूल थोड़ा सा लेट है, भैया का जल्दी हो जाता है। देन मैंने नाश्ता लगा दिया है उसको, आलू की सब्ज़ी और दो पराठा।
तो एक पतिदेव खा लेंगे, एक भैया खा लेगा, है ना, तो दोनों के लिए हो जाएगा। इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे भाजी कट कर लेने के लिए। तो मेथी की भाजी मैं साफ कर लूँगी और कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले सोची थी कि इसको बना लेती हूँ, बट मैंने सिर्फ साफ की थी, बनाई नहीं थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था खाने के लिए। तो पतिदेव बोले कि भाजी को रहने दो और सिर्फ जो बन गया है उसी को दे दो खाने में। तो फिर मैंने दाल चावल रोटी इतना ही उनको खाने के लिए दे दिया था। तो मैंने फिर बाद में इसको अच्छे से साफ़ करके और रख दिया था कि नेक्स्ट डे बना लूँगी। तो नेक्स्ट डे भी नहीं बना पाई मैं। क्यों नहीं बना पाई वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी मैं, अभी तो फ़िलहाल नहीं। इसी वीडियो को देख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैंने भाजी क्यों नहीं बनाई थी। सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, सरप्राइज़ क्या, थोड़ा सा वो रहेगा, है ना, देखने का मन रहेगा। और यहाँ पे मैंने चटनी तो बना के ही रखी हुई थी, मैं रोज़ ही चटनी बनाती हूँ आंवले की, आप लोग देख सकते हैं, तो बना के रखी थी, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी रहती है। इस टाइम में आंवला रहता है और अमरूद रहता है, तो मौसमी फल की जो सब्ज़ी होती है ना, वो सब्ज़ी हो गई या फिर चटनी हो गई, सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा तीखा रहता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से अपनी जो है साफ साफ कर ले रही हूँ। थोड़ी सी धनिया पत्ती रखी है और मैं पानी भर के लेके आ गई हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मैं दूसरी जगह से, यानी कि आंटी जी के घर से पानी लेके आती हूँ, तो मैं पानी थोड़ा सा ज़्यादा स्टोर करके रख लेती हूँ, ताकि शाम में अगर कम पड़े तो इसी को यूज कर लें, फिर ज़्यादा कम होता है तो फिर मैं आंटी के घर से ले आती हूँ, है ना। सो बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी खाने की तैयारी कर लेते हैं फटाफट से। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेथी का साग किस किस को पसंद है। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, मैं ऐसे ही रूखा भी खा लेती हूँ। रोटी चाहे एक हो, साग बहुत ज़्यादा हो तो मैं खा लेती हूँ, मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है। किसी किसी को नहीं होता है पसंद, मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बेटी को नहीं खा लेता है और मैं खा लेती हूँ। इसके बाद मैं छत में आ गई थी तो कुछ दालें थी, अरहर की दाल थी और मसूर की दाल थी, तो इसको मैं सूखने के लिए डाल दे रही हूँ। ख़राब हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो फिर मैं सुखा लेती हूँ। सभी लोग सुखा लेते हैं, मैं अकेले क्या, सभी लोग सुखा लेते हैं। और मैं ऊपर ट्राईपॉड नहीं लेके गई थी, तो बस ऐसे ही मैंने फ़ोन को सेट किया हुआ था, तो आप देख सकते हैं कैसा आ रहा है, कोई बात नहीं, है ना। तो इसके बाद मैं कपड़े वगैरह डाल दूँगी, और मेरी छोटी सी गृहस्थी है तो थोड़ा थोड़ा सामान रखती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लाती भी नहीं हूँ, क्योंकि बजट के हिसाब से भी सारा कुछ देखना होता है, बजट गड़बड़ हो जाता है। इतना हम लोगों की इनकम नहीं है कि हम लोग सारा कुछ कर ले, बहुत ज़्यादा ज़्यादा तो थोड़ा थोड़ा सा ही ले आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम जैसे थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसको सुखा लेते हैं। इसके बाद मैं कपड़े धोने के लिए डाल दे रही हूँ, और ना मैं इसी बीच कोई आया था नीचे, तो मैं उसको देख रही थी बार बार, मैंने उससे बोला था रुक जाओ, क्योंकि मुझे ना बहुत ही ज़्यादा हाँपी आ जाती है, सांस फूल जाती है एकदम, अगर मैं बार बार छत पे ऊपर नीचे करूं तो। बस मैं इसीलिए जो है बहुत, एक बार अगर छत पे आ गई तो दूसरी बार सारा काम निपटाने के बाद ही नीचे जाती हूँ, मुझे कि पहले मैं नीचे नहीं जा सकती हूँ, और बस यहाँ पे सांस बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है, जिससे मुझे छत पे बार बार जाना, बार बार आना बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक बार गए, सारा काम करके आए, दूसरी बार फिर सीधे शाम को कपड़े लेने के लिए जाते हैं। कोशिश करती हूँ, गर्मियों में तो मैं छत में जाती भी नहीं हूँ, नीचे ही कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि फटाफट से ही सूख जाते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे कपड़े डाल दूँ मैं फटाफट से, इसके बाद फिर नीचे जाके दूसरे काम कर लूँगी। दूसरे काम कुछ नहीं करना, मुझे खाना खाना है सिर्फ जाके। और मैं नीचे देख रही थी क्योंकि कोई आया था, थोड़ा सा डर लगता है ना कि अकेले हैं, तो ऐसा तो नहीं कोई अंदर घुस जाए या कुछ भी हो जाए, जमाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, है ना। तो वैसे मैं यहाँ पे इतना डर तो नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा मन में लगा रहता है, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही थी और आहट आ रही थी कि कोई है, और कोई आवाज़ नहीं दे रहा था, इस कारण से मैं बार बार नीचे देख रही थी। और इसने में मेरे कपड़े भी पूरे डल गए हैं, बहुत ज़्यादा तो थे नहीं, मीन्स थे, इतने नहीं थे, बट आज मैंने बेडशीट भी धो ली थी क्योंकि गंदी हो गई थी। और मॉर्निंग में ही सारे काम उठ के मैं कर लेती हूँ, यानी कि सुबह के 5 बजे से उठ के। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।